Vivo Y72 5G अभी अभी दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसकी हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी देखेंगे और इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेस्ट फीचर्स के बारे में बात करेंगे और आखिर में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये फ़ोन यूज़ करके, ये हम देखेंगे। और अब तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों फ़ोन के अनबॉक्सिंग पे। तो सबसे पहले हमें बॉक्स पे वीवो Y72 5G बड़ा बड़ा लिखा हुआ मिल जाता है। 8+128GB का वेरिएंट है और बॉक्स के पीछे आपको कुछ की पॉइंट्स हाइलाइटेड दिख रहे होंगे दोस्तों, इसके बारे में हम आगे ज़रूर बात करते हैं। और हमारे पास ये प्रिज्म मैजिक कलर में अवेलेबल है। 24,990 इसकी प्राइस अभी बॉक्स पे है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस हम आगे वीडियो में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स कंटेंट्स के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले रखा हुआ मिलता है ब्रांड न्यू वीवो Y72 5G। उसके बाद आपको मिल जाता है उसी फ़ोन के लिए एक प्रोटेक्टिव केस जो कि बहुत बेहतरीन है। उसके बाद कुछ पेपर वर्क और उसके बाद सिम इजेक्टर टूल भी बहुत मैटर करता है। फिर आपको चार्जर भी देखने को मिलता है, चार्जिंग केबल और आखिर में आपको ईयरफोन्स भी आपको मिल जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात जो इसका लुक है, डिज़ाइन है इसी प्रिज्म मैजिक कलर में, वो बहुत बेहतरीन निकल के आया है। रेनबोइश टोन आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक स्टाइलिश फ़ोन ढूंढ रहे हो तो ये सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें तो राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन, जिसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी नज़र आ रहा होगा। नीचे के साइड में आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाता है। और लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे का स्लॉट मिल जाता है और इसमें जो कैमरा बम्प है वो बहुत कम है और इसकी स्लिमनेस की तो बात ही अलग है। और ऊपर की साइड आपको पूरी प्लेन मिल जाती है दोस्तों विथ कवर। दोस्तों ये फ़ोन मुझे बहुत बेहतरीन लगा, बहुत कंफर्टेबल लगा। इसका जो प्रोटेक्टिव केस है वो बहुत बेहतरीन परफेक्टली मैच हो जाता है इसी फ़ोन में। और अगली बात आती है इसके डिस्प्ले एंड साउंड के बारे में। तो डिस्प्ले आपको 6.58 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो जल्दी से हम डिस्प्ले और साउंड टेस्ट दोनों एक साथ देख लेते हैं। अगली बात करें, मेन बात वो है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसी फ़ोन में देखने को मिल जाता है और UI आपको फन टच OS का देखने को मिलता है। प्रोसेसर थोड़ा कम दिया गया है जो कि 5G प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 480 ऑक्टा कोर है और इसमें आपको 8GB रैम और 4GB एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट इनेबल किया गया है। कंपनी ऐसा दावा करती है कि एक्सटेंडेड रैम है जिसके कारण जो आपके हाई एंड टास्क होंगे वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। और उसके साथ ये एंड्रॉयड 11 पे रन होता है जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है। फिलहाल हमें अवेलेबल करके दिया है दोस्तों SS मोबाइल ने, जो कि बहुत बड़ा मोबाइल का शॉप आपको देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं नासिक के स्टोर की, तो आपको बोर्ड लाइन पे नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको परचेस करना है तो आप आपके नियर बाय शोरूम में भी जा सकते हो दोस्तों। अगली मेन हाईलाइट है दोस्तों कैमरा के रिलेटेड। तो इसमें आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48+2MP जो कि AI बेस्ड ड्यूअल कैमरा है। और फ्रंट कैमरा आपको 8MP का देखने को मिलता है जो कि आपको सेंटर में अलॉट हुआ गया है। कैमरा क्वालिटी मुझे बहुत बेहतरीन मिली, जो कि 48MP का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। जो बोके इफेक्ट है वो बहुत बेहतरीन निकल के आया है। मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगा नॉर्मल फोटो और बोके इफेक्ट में, जो कि बहुत बेहतरीन है। फ्रंट कैमरा 8MP का है, इसमें थोड़ा सा वाइट बैलेंस और इनेबल होना चाहिए था। और जो मैंने नाइट के फ़ोटो है वो पूरे के पूरे नाइट यानी पूरा डार्क था तब कैप्चर की है, तो भी मुझे क्वालिटी अच्छी खासी नज़र आई। बहुत अच्छी नहीं लेकिन अच्छी इनहांस की गई है और नाइट मोड अच्छा काम करता है दोस्तों इसमें। तो आपको कैमरा क्वालिटी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो बैटरी आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जिसमें आपको 18W का चार्जिंग का सपोर्ट है। तो बैटरी अच्छी खासी आपको देखने को मिलने वाली है। और सिक्योरिटी के बारे में, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड माउंटेड है जो कि मुझे इसका
फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत बेहतरीन लगा, क्विकली अनलॉक हो जाता है फ़ोन। और वही फेस अनलॉक के बारे में बात करें तो वो भी मुझे बहुत फास्ट और एक्यूरेट लगा, जिससे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है फ़ोन। तो सिक्योरिटी के बारे में फ़ोन बहुत एक्यूरेट और फास्ट है, 5G फ़ोन है तो N78 बैंड आपको देखने को मिलता है, और नीचे आपको जो वीवो की ब्रांडिंग है वो बहुत बेहतरीन है। और कंक्लूजन के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात, अगर आपको डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और वीवो की ब्रांडिंग चाहिए होगी तो ये 5 पॉइंट अगर आप टैली होते हैं तो आप ये फ़ोन ले सकते हो। अगर आपको वीवो लेना है तो आपको ये 5 पॉइंट एक बार टैली कर लेने हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीवो Y72 और IQOO Z3 में कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हमने एक वीडियो कंपैरिजन का बनाया रखा है जो कि आपके सामने अभी मौजूद है, वो आप देख सकते हो। और अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो अब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो आप ज़रूर चेक कर सकते हो। और ऐसे अलग अलग अनबॉक्सिंग के लिए चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगले वीक में भी आपको कुछ बेहतरीन अनबॉक्सिंग देखने को मिलने वाली है दोस्तों।